नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़, मैं अमित भोबिया। आज हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि ये वीडियो किसके बारे में है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ही पाकिस्तान की ओर से धमकियां मिल रही हैं, युद्ध की धमकियां। इमरान खान के अलावा ये धमकियां देने वाला शख्स पाकिस्तान के रेल मंत्री हैं। ये वही रेल मंत्री हैं जो कह रहे थे कि भारत ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर अंतिम गलती की है। उन्हें तो बस भारत का अंत दिखाई दे रहा था। इन महोदय का नाम है शेख राशिद अहमद, पाकिस्तान के रेल मंत्री हैं ये। भारत को कई बार गीदड़ भभकियां दे चुके हैं, कई बार कह चुके हैं कि हमारे पास पाव पाव के यानी 250-250 ग्राम के परमाणु बम हैं। लेकिन अब इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने इनका गिरिबान पकड़ रखा है और बोल रहा है कि मुझे मेरी हक की कमाई दे दो। नहीं नहीं शेख साहब, इस तरह नहीं, मेरे पैसे तो 22 लाख नहीं कड़ी, ऑक्शन है नहीं, ऑक्शन है शेख साहब, मेरे स्पीकर को जाओ या नहीं, लेकिन मेरे कड़ी नहीं पैसे दियो, मैं हक लाल ही कमाई मंगने पे। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तान में एक शख्स देश के रेल मंत्री के गिरिबान को पकड़ लेता है और मंत्री जी उससे आंखें चुरा रहे हैं, क्योंकि मंत्री जी खुद चोर हैं। ये हैं रेल मंत्री और ये हैं नूर रहमान नाम का शख्स। इस नूर रहमान की कार मंत्री जी ने ले रखी है और वो उस कार के पैसे चुका नहीं रहे, इसीलिए ये शख्स पाकिस्तान की संसद में पहुंचा और मंत्री जी का गिरिबान पकड़कर कहने लगा, मुझे मेरे पैसे लौटा दो। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कद्दावर नेता संबित पात्रा ने चुटकी ली। वैसे संबित पात्रा पाकिस्तान की खिंचाई करने में काफी माहिर हैं। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट किया, ये है पाकिस्तान की हालत, पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद, जिनको कुछ दिनों पहले करंट लगा था, उन्होंने अपने कार का पैसा नहीं चुकाया, जिससे पैसा लिए थे वो पाकिस्तान के संसद में आकर मंत्री जी को घेर लेता है, हम और ये चले थे पाव पाव और सवा पाव के न्यूक्लियर वार करने। आपको बता दें कि इस ट्वीट में जो करंट की बात हुई है वो उस वक्त की बात है जब भारत के खिलाफ पाकिस्तान में प्रदर्शन आयोजित किया गया था जो सफल नहीं हुआ था, और उस प्रदर्शन में शेख राशिद अहमद जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोस रहे थे तो उनके माइक में करंट आ गया, तो शेख राशिद ने कहा कि ये करंट भी मोदी साहब ने भिजवाया है। हम तुम्हारी मोदी नीयतों से वाकिफ हैं, तुम्हारा रस कष्ट पुष्ट कष्ट पुष्ट कष्ट पुष्ट कष्ट पुष्ट करंट लग गया। खैर कोई बात नहीं, कोई नहीं, मेरा ख्याल है करंट आ गया। तो दोस्तों, ये दोनों वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं। पाकिस्तान की ये तस्वीरें उसके अंत को दिखा रही हैं। इस बारे में आप पाकिस्तान के मंत्रियों को क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।